यहां पर आपको आगाह करें कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से आजाद कश्मीर के सहाफियों ने ISPR में मुलाकात की, जिसमें सहाफियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों ने मुसल्ला अफवाज के शोबाए ताल्लुकात आम्मा रावलपिंडी का दौरा किया, जहां पर DGISPR से मुलाकात की। इस मौके पर सहाफियों को LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। DGISPR ने LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर रोशनी डाली। वफ्द को भारतीय फौज के LOC पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाने के वाकयात से भी आगाह किया गया। दो दिन कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा करने के लिए गैर मुल्की मीडिया के एक वफ्द ने भी LOC का दौरा किया था। 5 अगस्त को भारतीय गैर कानूनी इकदाम और भारतीय मजालिम का 1 साल पूरा हो रहा है। इन गैर कानूनी इकदामात के साल पूरा होने से कबल गैर मुल्की मीडिया ने LOC का दौरा किया। पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की मीडिया और UN मिशन को LOC और मकामी आबादी तक मुकम्मल रसाई दी गई है। गैर मुल्की मीडिया ने चिरीकोट सेक्टर में भारतीय खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा किया।